करता हूँ, मंच पर उपस्थित अपने सभी अग्रज कवियों को, कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो तीन चार और सुनाऊंगा। अतिथि का आभारी हूँ कि उन्होंने इतना समय हमें दिया, प्रणाम करता हूँ आपको जी। बस ये है, वो हमारे चार श्रोता और लेके चले गए साथ, लेकिन वो भी आ जाएंगे वापस, मैं जानूंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत मैं मोदी नगर शहर को बधाई देता हूँ उनके 85वें स्थापना दिवस समारोह की। अमर उजाला परिवार को भी बधाई देता हूँ, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा, अखबार का कार्यक्रम है। हम तो हाथ से हंसते, कभी अखबार तक से हंसी मिल जाती है हमें। हम लोग अखबार पढ़ते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में होते हैं, पूरा अखबार पढ़ने का टाइम नहीं होता, खाली हेडलाइन पढ़ करके अखबार एक तरफ रख देते हैं। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है भाई साहब। मैं ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा, अकेली खबर हंसा दी। अच्छा ज्यादा जल्दबाजी में हो, दो हेडलाइनों को मिलाकर पढ़ ले तो भी एक नई बात पैदा होती है। मुझे ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। मित्रों, इस खबर में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में बड़े मजेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हॉलैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मैंने कई वरिष्ठ कवियों ने किए, एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया था, एक बिल्कुल सच्ची घटना अपनी दिल्ली की आपको बताना चाहता हूँ। 3 साल पहले 16 नवंबर की यह घटना है। उस दिन मेरे यहाँ दिल्ली शहर में इतनी शादियां थी, एक ही दिन में एक ही शहर में 35,000 शादियां, सड़क पर पांव रखने तक की भी जगह नहीं थी। अच्छा संयोग देखिए, उसी दिन हमारे देश में बकरा ईद भी थी। अच्छा दोनों खबरें साथ साथ छपी हुई थी, दिल्ली में एक ही दिन में 35,000 शादियां, बकरा ईद धूमधाम से मनाई गई। तो इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए, एक नया प्रयोग इसमें मैंने किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों में तरह तरह के वाक्य लिखे हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात, अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे, बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो एक एक हाथ तालियां उठनी चाहिए। दोस्तों, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2021 में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। तुम्हारी से बोली में अगर आकर देखो ना, 40 की बोली रहेगा। और अगले दौरे पर फिर आपका विशेष ध्यान चाहता हूँ मित्रों, 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाए। और बात आपसे पूछे तो फिर आपकी तालियां उठनी चाहिए, वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश होकर शुक्रवार को मिले। और मित्रों, 1.5 महीने पहले की बिल्कुल सच्ची घटना, फिर आपकी तालियां चाहता हूँ, प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब पत्रों से और दिल्ली से आपके बीच में आया हूँ तो प्रणाम करते हुए अंतिम जोड़ा आप तक पहुंचा। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो कहां कहां से हम लोग हाथ से घूमते हैं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बहुत बहुत
साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। हर जगह कवियों को भाई साहब इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जा रहा है। नहीं नहीं तो हमें ऐसे फाड़ने वाले लोग मिलते हैं कभी अपनी कविता। तुम्हें हाथ से ढूंढना क्यों पड़ता है? तुम्हारे पास तो ऐसा मुख्यमंत्री है, उसके बयान पढ़ लिया तो वैसी हो गया है। हरियाणा की बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई ओलंपिक में, ये जिस दिन अखबार में खबर छपी केजरीवाल जी ने उसी दिन बयान दिया मैं भी बेटी होना चाहता था। ये बात है, अगली बात है ताली बजाने वाली। अगर आपको लगे कि सचमुच उनकी मानसिकता क्या है तो आप आकाश पर तालियां एक बार बजाना। केजरीवाल जी ने कहा मैं भी बेटी ही होना चाहता था, पर इस मोदी ने होने नहीं दिया। अपने से भी दुखी है, अपने से भी दुखी है, और हम ही दुखी नहीं है, पता नहीं कौन कौन दुखी है। ये देश 370 हटवाना चाहता था, योगी जी ने ऐसा कुछ काम किया 370 हटा दी। माफ करना, मैं टिप्पणी राजनीति नहीं करता। पहले किसी की बेटी बाहर होती थी तो माँ बाप को चिंता होती थी कि बेटी घर पर टाइम से आई कि नहीं आई। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने ना, बेटा बाहर होता है तो चिंता होती है कि मुर्गा को नहीं बना रखा है। राजनीति क्या बात की? मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। मैं आपको एक नेताजी का एक मिनट का एक भाषण आपको जोड़ने के लिए सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों देखो, कोई कोई आपने नेताओं के बहुत भाषण सुने होंगे, कोई कोई नेता भाषण देते देते इतना एक्सपर्ट हो जाता है उससे किसी भी विषय पर भाषण देवा है। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक बार वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो मेरे मोहल्ले के नेताजी पहुंचे, उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले भाइयों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं और उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी, जैसे कई बात बता रहे हैं। पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है, कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए और पेट साफ करने लगा, पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ, हिटलर वो जिसने वार की, वार आठ प्रकार के होते हैं, सोमवार मंगलवार। ये वार आठ प्रकार के होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड यानी दुनिया, दुनिया गोल होती है, गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाना है, पानी को अंग्रेजी में वाटर टैंक और उसी के लिए वाटर टैंक। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत आभारी। एक बार तालियां बजाते हैं। वाकई में बहुत बढ़िया सुना है। मतलब मैं बता रहा था कि हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता। कदर हूट कर डाला कि हाथ से मेरी यादों का निकल गया दिमागा, तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूँ। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कभी सम्मेलन समझ कर बोलता हूँ। आज भी मैं यही सोच के आया
जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कभी सब मैं सबक तक घुस जाता हूँ, कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो मतलब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटे, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफी मांगी, मैंने कहा माफ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, कोई मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हैरान करी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है तब लगता है यार ये कविता तो मेरी, तब लगता है अब बता रहा हूँ इस मंच से जितनी अच्छी अच्छी कविताएं होंगी चाहे पवार की पढ़ लेना सब मेरी। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया, 5 किलो आटा, आधा किलो नमक का, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम का। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के अनुशासन की, कविता सुना रहे हो जिस अपने घर के राशन की और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाएगा हो, वाह वाह इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी करने को तैयार। वैसे दुनिया आप किस पर्यट में है ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी देख रहे हैं। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र भी कौन है जिसके रोज रोज वो नाते रहते। गाड़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन सा जिसकी मैं इतनी बढ़िया सेव कर गया। रात को सोते समय और भी लपड़े में रहता हूँ, मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे घूम करता रहता हूँ। समझ नहीं पाता हूँ पत्नी कुछ काटते हुए उसे बुलाती है धूप मिलाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ। उल्टी का ऐसा प्रमाण देता हूँ वो रोटी उसे डालती है पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं वो जब मुझे यही पता नहीं लग पा रहा भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या कुछ। और दोस्तों भूलने का आलम ये है तेल हाथ में लिया सर पे बलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ, आप सभी की तालियां चाहता हूँ। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाद उठना भूल पत्नी बोली एक बार मेरे भड़कार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चार पाई पर पड़ते तो तार पड़ गए टूट गई टांग। डॉक्टर आया पलस्तर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार गुलक्खड़ों का सरदार, गजब भी ढा दिया टूटी दाई टांग की पलस्तर भरी और दोस्तों भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। जब मैं कहने जा रहा हूं लेकिन दोस्तों मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, प्रार्थना को जाइए। लेकिन दोस्तों कविता तो शुरू होती है आप मैं ही नहीं ये सारे कवि आप और हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं, हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूं आपको घर घर का संताप, पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीन और ईमान,
लोग भूल जाते हैं दुकान मत की दवा, हम सब भूल चुके गांव की ताजा हवा और हायर एक्टिविटी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी। क्या बात है, हायर एक्टिविटी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी, राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे, नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है, और दोस्तों कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। बहुत बहुत धन्यवाद।